कभी भी किसी का हुलिया देख के उसकी औकात का अंदाजा नहीं लगाने का, क्योंकि ऐसा आदमी बहुत खतरनाक होता है, हुलिया ही बदल डालता है। तो सबसे पहले तो आपको आ जाना अपने फ्री फायर के अंदर, और उसके बाद आपको जो उस पर करेक्टर लेके आपको वॉल्ट में जाना है, और वॉल्ट में जाके आपको अपने जो कपड़े हैं वो पहना देने, एकदम सिंपल वाले। एंड गाइस, कपड़े पहनाने के बाद आपको जाना है कैरेक्टर में, और उसकी जो भी वो इमोट करता है, जैसे आप ऐसी ना उसकी एक आपको वीडियो क्लिप रिकॉर्ड कर लेनी है, जैसे कि मैं अभी कर लेता हूँ। एंड देन आपको पहनाना है अपने प्रो वाले कपड़े, जैसे मैं जल्दी से पहना लेता हूँ, जल्दी हाँ वॉल्ट में जाके मैं अपने प्रो वाले कपड़े पहन लेता हूँ। ये रहे, तो मैंने अपने पहन लिए प्रो वाले कपड़े। अब कैरेक्टर में जाते हैं और फिर से वीडियो रिकॉर्ड कर लेते हैं। तो जैसे ही ये वीडियो रिकॉर्ड होती है, उसके बाद हमको बोलना अपना काइन मास्टर। सो हमारी वीडियो रिकॉर्ड हो चुकी है, सो अब जाते हैं अपने काइन मास्टर में। तो हम आ चुके हैं अपने काइन मास्टर में। सो अब हमको 9/16 का एक रेशियो लेना है। एंड मैं इसको ज़रा ब्लर कर देता हूँ। हाँ, एंड देन आपको अपनी वीडियो क्लिप को यहाँ इंपोर्ट कर लेना है, जैसे मैंने कर लिए, और फिर उसको यानी कि आपको इतना तो आता ही होगा शायद, अगर नहीं आता तो आप बता दो, मैं उसकी डेडिकेटेड वीडियो बना दूँगा। तो आपको बीट पे ले आना, जैसे कि यहाँ पर इसका फायर होता है, या फिर मैं सिलेक्टेड बोलो का लगा देता हूँ, कहते हैं बीट, और यहाँ से आता हूँ, बुकमार्क लगा दिया है, और लेफ्ट टू प्ले आउट, बस हो गया यहाँ से मेरा काम। मैं यहाँ से इसको एक्सपोर्ट कर लेता हूँ। सो नहीं, पहले आवाज़ तो बंद कर लूँ। हाँ, आवाज़ बंद कर ली, इसकी भी आवाज़ बंद कर लेता हूँ। बस अब मैं यहाँ से इसको एक्सपोर्ट कर लेता हूँ। भाई हो जाए एक्सपोर्ट। हाँ, अरे अरे हाँ, सॉरी सॉरी, म्यूज़िक भी तो डालना है। तो पहले एल्बम्स पे जाते हैं, एंड जाते हैं अपनी ऑडियो पे, ऑडियो कहाँ गया, डाउनलोड पे। हाँ, और अपनी ऑडियो को यहाँ पर एक्सपोर्ट कर लेते हैं। एंड देन आपको ऑडियो को यानी कि जमा लेना है, यहाँ पर बीट आती है, वहाँ पर फायर पे आपको रख लेना है, और उसके बाद हम आते हैं अपने कैपकट पे। कैपकट से पहले आपको सोलो वीपीएन पे जाके अपना साउथ कोरिया का है ना कनेक्ट कर लेना है, और उसके बाद आपको कैपकट खोलना है, न्यू प्रोजेक्ट पे जाके वाली वीडियो जो क्लिप आपने रिकॉर्ड करी थी उसको ओपन कर लेना। एंड देन आपको यानी कि ओपन हो जाएगी, उसके बाद आपको एक बार मैं खोल के दिखा देता हूँ, कुछ ऐसी है, आप देख लो ऐसे, यहाँ पर पूरा इमोट होता है, यहाँ पर फायर होता है, यहाँ पर ऐसे। सो अब हमको क्या करना है, यहाँ पर एक स्प्लिटेड प्लेयर, जैसी फायर होता है वहाँ पर स्प्लिटेड एक प्लेयर कर देना है, स्प्लिट कर देना है। मैं यहाँ पर कुछ यहाँ पर कर देता हूँ, और थोड़ा सा आगे एक और स्प्लिट कर देना है, उसके जस्ट थोड़ा सा ही आगे, जैसे मैं कर रहा हूँ उतनी दूरी पे, और उसको थोड़ा सा जूम कर लेना है, और जो बीच का एरिया बचता है उस पर जाके आपको एनिमेशन पे जाना है, और ये जो सबसे पहला ऑप्शन है इन, इस पर क्लिक करके आपको शेक 3 ढूंढना है। ये शेक 3 पे जाके इसको ड्यूरेशन को पूरा फुल कर देना है, और बस आपका यहाँ पर शेक डल जाएगा। एंड आपका शेक का काम हो चुका है, देख लो आप कितना ऑसम लगता है शेक के साथ। आपको क्या करना है, इफ़ेक्ट्स पे जाना है, और इफेक्ट्स पर जाने के बाद आपको नीचे स्क्रॉल करना है, आपको एक ऑरा वाला इफेक्ट देगा, नीचे स्क्रॉल करो, नीचे और नीचे 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 कम, ये रहा ये रहा, इस पर आपको क्लिक करना है और राइट कर देना है। मैं क्लिक कर देता हूँ राइट, और इसको पूरी वीडियो की लेंथ जितना कर देना है। मैं कर देता हूँ, अरे ये अटक कर रहा है बहुत। हाँ, वीडियो की लेंथ जितना कर देते हैं, अरे हाँ ये हो गया वीडियो की लेंथ जितना। हाँ, और ये जो पीछे का है इसको आपको क्लिक करके डिलीट कर देना है। एंड आपको फिर से एड इफेक्ट पे जाना है, और आपको फिर से ऑरा वाला इफेक्ट डालना है ये करके। इससे क्या होता है, इससे हाईलाइट ज़्यादा होता है, ये ना बहुत ज़्यादा होकर आता है, नहीं तो वैसे थोड़ा थोड़ा ही दिखता है, पर ऐसे करोगे तो आप बहुत ज़्यादा दिखता है। तो उसको फिर से वैसे ही करना है, और फिर एक और बार डालना है आपको, ऐसे करके 3 बार डालना है, ऐसे 2 बार हो चुका है, अब ये 3री बार में डाल देता हूँ ये, अरे कहाँ गया ऑरा वाला इफेक्ट, ये रहा। आपको राइट कर देना है, एंड देन आपका ये पूरा हो जाएगा। उसके बाद आपको करना है एडजस्ट पे जाना है, तो वो मैं कहाँ है, एडजस्ट कहाँ गया, नीचे, हाँ ये रहा, ये एडजस्ट पे जाना है।
एंड देन आपको क्या करना है, सैचुरेशन पे जाके सैचुरेशन को कर देना फुल एंड राइट कर देना है। एंड रुको रुको, अरे उसको मैंने पूरी वीडियो क्लिप की लेंथ इतना नहीं किया, रुको रुको मैं फिर से कर देता हूँ, एडजस्ट पे जाके सैचुरेशन फुल कर देता हूँ, ये कर दिया, ये रही राइट कर देता हूँ, ये रही ऊपर वाली वीडियो क्लिप, ये रही इसको ऊपर कर देता हूँ, काम करता हूँ, हाँ ये हो गया, अब नीचे वाली को डिलीट कर देता हूँ, नहीं तो डबल डबल अच्छे लगता, नीचे वाली डिलीट, अरे डिलीट, हाँ सो गाइस हमारा इतना काम हो चुका है, आई थिंक हमारी वीडियो क्लिप बन चुकी है जहाँ तक मुझे पता है। देखिए उसकी औकात का अंदाजा नहीं लगाने का, क्योंकि ऐसा आदमी बहुत खतरनाक होता है, होलिया ही बदल डालता है। हाँ सो गाइस हमारी वीडियो क्लिप हो चुकी है, आपने देख ही ली कितनी ऑसम लग रही है, अब आपको यहाँ से इसको 60 FPS पे करके एक्सपोर्ट कर लेना है, मैं एक्सपोर्ट नहीं करूँगा क्योंकि मैं पहले से इसको डाल चुका हूँ, वो तो आपको प्रीव्यू दे रहा था, तो कैसी लगी आपको ये वाली वीडियो हमें कमेंट करके जरूर बताना, और अगर आपको और ट्यूटोरियल चाहिए तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। सो बाय गाइस, मिलते हैं अगली वीडियो में।